Assalamu alaikum, Shamsa is here. Hope you are doing great. We are providing the Hyphy ABL Amazon services to Amazon seller. Welcome to you, main aapko apne channel Hyphy ABL Amazon par. Aaj lecture number 2 jis pe hum baat karenge wholesale ke, theek hai, usme hum log dekhenge ki aap log product kis tarah wholesale ke liye find karte hain. Usse pehle aap apne अपने नॉलेज के लिए लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें, ठीक है, और इन वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है. आज हम बात करेंगे कि होलसेल के हम लोग प्रोडक्ट होलसेल के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट हमने निकालने हैं, ठीक है, वो हम किस टूल के जरिए निकालेंगे. हम कीपा के जरिए प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है. प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करना है, क्या क्राइटेरिया यूज करना है, वो सारा आज हम देखेंगे, ठीक है. हम चलते हैं कीपा के इंटरफेस पे. यहाँ पे आप डाटा पे जाके और उसके बाद प्रीमियम डाटा एक्सेस पे जाएंगे. यहाँ पे आपके पास जो है वो एक आ जाएगा, आपके पास इंटरफेस आ जाएगा. यहाँ पे आप सेल रैंक में 90 डेज को लगाएंगे फ्रॉम 50 to 50,000. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो करता जाएगा साथ साथ. उसके बाद अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए. देन आपके पास नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट आप यूज्ड लिस्ट प्राइस, ये सारा कुछ छोड़ दे, ठीक है. नेक्स्ट ये छोड़ते जाएं आप, ईपे न्यू, ईपे यूज्ड, ये सारा कुछ छोड़ दें. कैटेगरी पे आए, कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लें. आप अनगेटेड कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने वुमेन किचन की. नेक्स्ट आए आप इसको छोड़ते जाए, ठीक है, ये छोड़ दें आप. न्यू ऑफर काउंट आपके पास कितनी होनी चाहिए, फ्रॉम 3 to 30 आप बस सेलर हो सकते हैं. यहाँ तक आप इसे कहते हैं फ्रॉम 5 to 30 का, ठीक है, 5 तो होने चाहिए मिनिमम. रिफर्बिश ऑफर कहूँ, ये सारा कुछ छोड़ दें. यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर 3 हो सकते हैं, ऑल करें. यहाँ पे ये सारा कुछ ऐसे रहने दे. आपने वेरिएशन नहीं लेनी स्टार्ट पे, नो वेरिएशन, ठीक है. यहाँ से आप देखें, जब हमारे पास वेरिएशन थी तो आप बस 6,000 प्रोडक्ट थे, और जब हमने नो वेरिएशन किया तो 1,000 में रह गए आपके पास. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आके आप जाएं यहाँ से अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको अनचेक करें. अमेजोन बैक ऑर्डर इसको भी अनचेक कर दें, प्री ऑर्डर इसको भी अनचेक कर दें. उसके बाद आप पैकेज का वेट फॉर एग्जांपल 2,000 कर दें. यहाँ से आल पे रहने दें. उसके बाद एडल्ट प्रोडक्ट नो कर दें, ट्रेड एलिजिबल नो कर दें, ठीक है. बाकी आल पे आप रहने दें इसको. आप पास 1452 प्रोडक्ट आ गए, इसको फाइंड प्रोडक्ट क्लिक करें. यहाँ पे देखें, आपके पास प्रोडक्ट आ गए, ठीक है. ये आपको ऑफर्स एसेंस है कुछ होकर, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर ले फाइल. ठीक है, यहाँ से आपके पास फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी. आप यहाँ पे आए, ओपन करें इसको. आपके पास इमेज है, ठीक है. यहाँ से आप एसन को 1 by 1 जो है ना रेटिंग रहने दे, रिव्यू, ठीक है. उसके बाद न्यू ग्रांट रहने दे आप बस. न्यू ऑफर काउंट, ये कितने साल है, ये आपको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है. यहाँ से आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे आए आप, और यहाँ पे आप amazon.com का अगर प्रोडक्ट है, हमने किस मार्केट के लिए निकाले थे,
ये कोड आठ यूके मार्केट है, ठीक है, यूके मार्केट है। तो अब यहाँ पे अमेजॉन यूके पे आएंगे, ठीक है, आप अमेजॉन कोड आठ यूके पे आए, आप यहाँ पे सेंड पेस्ट करें, फॉर एग्जाम्पल पेस्ट का ऑप्शन नहीं यहाँ पे आ रहा, ठीक है, अगेन कर लेते हैं इसको, कॉपी करें और यहाँ आकर पेस्ट करें, देखें इसे इसके अगेंस्ट आपका ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको ओपन करें आप, ओपन किया, इसकी प्राइस 4 करोड़। प्राइस कम है तो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करती आप जाएं, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपके पास मार्जिन बहुत कम रह जाएगा। बहरहाल हम इसको देख लेते हैं, हमने देखना क्या क्या है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा पे आए, डाटा के पास बाईपास स्टैटिस्टिक्स पे आए, देखते हैं इस प्रोडक्ट में 90 डेज का है। आप देखें इसमें आपके पास ये स्टॉक दिखा रहा है, आपको काफी स्टॉक है, 50, 50, 3, 322 है, जिनके पास स्टॉक है उनके पास अच्छा स्टॉक पड़ा हुआ है। देखें ये किस चीज के पास रिव्यू पॉइंट है, ये न्यू सेलर है, इसका स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है, इसने 3 में बेचा है, 353 में इसका स्टॉक खत्म है, इसने 5-2 में बेचा है, 50 दिन पहले स्टॉक खत्म हो गया, इसके पास 3 का स्टॉक है, रिव्यूज इसके पास है। देखिए न्यू सेलर आपने देखे इसमें, ये दोनों आपको नए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पास रिव्यूज कम है, लेकिन इसके पास स्टॉक काफी अच्छा, 1500 का स्टॉक है, यानी स्टॉक काफी ज्यादा है इसके पास। तो आपने वो प्रोडक्ट उठाना होता है जिसमें बहुत ज्यादा स्टॉक आपके पास ना हो, ठीक है, लेकिन इसमें काफी स्टॉक है, आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपने ये काफी प्रोडक्ट निकाल लिए हैं, इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर लो, ठीक है, पेस्ट किया या आपका स्टारबक्स का प्रोडक्ट निकला है, इसको ओपन करें, इसका हम देखते हैं बाय बाय स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बता रहे हैं स्टारबक्स कप के बारे में। डाटा पे आए, इसको पहले लॉगिन करें, डाटा पे आके लॉगिन करें, लॉगिन आपने किया, इसको बायपॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाएं, 90 डेज में जाएं, आपको देखें इनको 1 से less than मिला हुआ, इसका 5 स्टॉक है, 117, 117, ये प्रोडक्ट ठीक है, इसका स्टॉक कम कम है, 10, 5, 10, 1, 215, ठीक है। आप एक चीज चेक करें यहाँ पे, इसके पास रिव्यूज नहीं है और इसके पास स्टॉक्स 215 के, ठीक है, इसको 6 दिन पहले बाय बॉक्स मिला, यानी बाय बॉक्स आपको रोटेट कर रहा है, इसके पास 10 का स्टॉक है और इसको अभी बाय बॉक्स मिला हुआ, ठीक है, 7:48 में बेच रहा है, यानी इस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है, रिव्यूज भी बहुत ज्यादा नहीं है, न्यू सेलर भी आ रहे हैं, ठीक है, इसके पास 5 का स्टॉक है, 1 दिन पहले बाय बॉक्स मिला है, देखिये बाय बॉक्स आपको रोटेट कर रहा है, 1 दिन पहले 15, 6, 37, यानी ये जिसको 37 दिन पहले मिला इसका तो स्टॉक हो गया खत्म, इसका भी स्टॉक खत्म है, इसको 45 डेज पहले मिला, ठीक है, 41 डेज पहले 751 बेच रहा है, ठीक हो गया, इस तरह करके ये प्रोडक्ट आपके पास ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस जरा कम है, तो आपके पास मार्जिन बहुत कम, अगर आप ये सोर्सिंग आपको
उसके सोर्सिंग को ये $1 में मिल जाती है, £1 में, ठीक है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। इस तरह करके आप वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स जो है वो चेक करेंगे शीट से। मैंने आपको दो का प्रोसेस बताया है, आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें एसन डालेंगे, प्रोडक्ट का BSR, जो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे मैच करता है वो प्रोडक्ट आप वन बाय वन करके वहां पे डालते जाएं, ठीक है। यानी ये आपका काम होगा, आपने वन बाय वन करके प्रोडक्ट्स जो है वो डालते जाना, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने चेक करना है कि हम सेल देखें, जो आपके पास मार्केट है US, उसके लिए वहां पे अगर आपने सेल चेक करनी है ना, एस्टिमेटेड कितनी हो रही है, तो आप यूज करेंगे FBA टूल किट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये किचन की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। इसको आप देखें इसका क्या नेक्स्ट यहाँ पे BSR बन रहा है, ठीक है। किस रैंक क्या बन रहा है इसका, 196 रैंक है, ठीक है, वुमेन किचन है। अब 196 एंड कैटेगरी वुमेन किचन है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपके पास UK का है। UK के प्रोडक्ट के लिए आप सेल जो है वो PDM 10 से फाइंड करेंगे, और अगर USA का प्रोडक्ट है तो आप FBA टूल किट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोडक्ट USA का, ठीक है, ये मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल USA का प्रोडक्ट है, 196 उसका रैंक है वुमेन किचन में, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। UK के लिए आप लोग जो है वो PDM 10 यूज करेंगे, वुमेन किचन में आए 196 यहाँ पे लिखे, ठीक है, वो करें। ये देखें इसका मतलब है 30 दिन की सेल ये दिखा रहा है, ठीक है। लास्ट डे इसके 9 यूनिट सेल हुए, इसका मतलब है जिसका जिसका रैंक कितना है उसका डेली के 9 यूनिट्स निकलते हैं, और 30 दिन के एवरेज 63 यूनिट जो है वो सेल होते हैं, ठीक है। ये हमारा पास हो गया USA के लिए। FBA टूल किट UK के लिए काम नहीं करता। अगर आपने UK के लिए सेल निकालनी है, इस तरह एक डे में कितनी सेल हो रही है, तो आप यूज करेंगे Helium 10। वो आप कैसे यूज करेंगे, आए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी मैं टूल्स अपने लॉगिन कर लूं, टूल्स लॉगिन करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ आपने किस तरह जो है वो UK में सेल चेक करनी है। अगर तो टूल्स काम करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देती हूँ हमने कैसे सेल चेक करनी है। अब यहाँ पे आप आए स्टारबक्स, यहाँ पे आपने एक्सटेंशन चला देनी है हीलियम के एक्सटेंशन चला दे, ठीक है। ये देखें यहां से आपको शो नहीं हो रहा, कोई मसला कर रहा है, आपको यहां से चेक कर पता चलेगा। हम किसी और प्रोडक्ट के लिए ना चेक कर लेते हैं सेल, आप यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट लिखे, ठीक है। आप कोई एक लिस्ट खोल लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट खोल ली, इस पे जाए, इसकी हम सेल चेक करना चाह रहे, तो आपने USA के लिए तो आपको मैंने बता दिया आप ये टूल किट आप यूज करेंगे, ठीक है। UK के लिए आप ये यहाँ पे ग्लिच हो रहा है टूल में। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ आपने कहाँ से चेक करनी है सेल। आप यहाँ से देखें, आपके पास ये देखें ये सेल ग्राफ है इसका, यहाँ पे ये ग्लिच हो रहा है टूल में। यहाँ पे ये इसका सेल ग्राफ आप चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से सेल ग्राफ चेक कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास डेली की सेल भी शो होती है, ये आपको शो नहीं कर रहा। यहाँ पे टूल में कुछ ग्लिच है, चले मैं इसको दोबारा करती हूँ, दोबारा इसके लिए हम चेक करते हैं।
मे भी ये दोबारा हमें शो कर दे। नहीं कर रहा, क्लिच आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे आपके पास सेल्स आती है, ठीक है, ये सेल्स, ये 1952 लिखा हुआ है, ठीक है शायद, या यहाँ से आप सेल चेक कर सकते हैं, या पास मंथली सेल यहाँ से चेक होती है आपकी, ठीक है। मैं किसी और प्रोडक्ट के लिए चेक करती हूँ। आप यहाँ इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ से आप इसकी सेल चेक कर लें। ठीक है, ये ग्लिच आपको शो कर रहा है टूल। खैर, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करके जो है वो सेल प्रोडक्ट ही चेक करनी है, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कितनी सेल कर रहा है। यहाँ पे आपको सेल ग्राफ भी शो होता है। ये यहाँ पे सेल शो, ये आपको ग्लिच है टूल में इसलिए, ठीक है। यहाँ पे सेल के ग्राफ को आपने ओपन कर लेना है, जब आपका टूल ओपन होगा यहाँ से आप सेल ग्राफ चेक करेंगे और यहाँ से आप सेल चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।